मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स. इन द प्रीवियस वीडियो हमने स्टैंडर्ड 6 हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर 3 समझदार नन्ही का एक्सप्लेनेशन समझा हुआ था और उसके बाद हमने एक्सरसाइज सॉल्व की हुई थी. इसके बाद इस वीडियो में हम चैप्टर 3 गिनती का अभ्यास करेंगे. सो ऑल द स्टूडेंट्स प्लीज ओपन योर हिंदी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 24 चैप्टर भी 4 गिनती 51 से 100 तक. हम सबको पता है हमारे व्यावहारिक जीवन में यानी कि हमें रोज बरोज के जीवन में रुपयों और पैसों की गिनती की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए हम इस गिनती का भी अवश्य ज्ञान होना चाहिए. इस पाठ में 51 से 100 तक की गिनती के उच्चारण और लेखन की जानकारी दी गई है यानी कि ऑल द नंबर्स हाउ टू राइट और हाउ टू स्पीक वो हमें यहाँ पे लर्न करना है. बहुत ही इजी तरीके में से बताई गई है. इस राउंड में जो है पूरे 10 नंबर्स में यहाँ पे गिनती दी गई है. मेरे साथ आप पढ़ते जाइए और समझते जाइए. फर्स्ट टेबल है जो फर्स्ट कॉर्नर में से शुरू होता है वो है 51 यानी कि 51 हाउ टू राइट वो यहाँ पे पिक्चर में दी गई है. कैसे लिखते हैं 51 देन द 52 यानी कि 52 53 53 54 यानी कि 54 55 यानी कि 55 56 यानी कि 56 57 यानी कि 57 58 यानी कि 58 59 68 60 यानी कि 60. उसके बाद की टेबल में है 61 यानी कि 61 62 यानी कि 62 63 यानी कि 63 64 64 65 65 66 66 67 67 68 68 69 69 17 यानी कि 70. उसके बाद की टेबल में वो क्रॉस की टेबल में नीचे की साइड है वो है 71 यानी कि 71 72 यानी कि 72 73 73 74 74 75 75 76 76 77 77 78 78 79 79 और 80 यानी कि 80. उसके बाद की लास्ट नीचे की टेबल में है 81 यानी कि 81 82 82 83 83 83 84 84 85 यानी कि 85 86 86 87 87 88 88 89 89 और 90 यानी कि 90. उसके बाद 9 के कॉलम 91 99 92 92 93 93 94 94 95 95 96 96 97 97 98 98 99 99 और 100 यानी कि 100. सो ये 51 से लेके 100 तक की गिनती ऐसे. सिर्फ हमें क्या ध्यान रखना है कि हाउ टू राइट बोथ ऑफ नंबर और वर्ड. नंबर में भी ध्यान रखना है जैसे कि 5 कैसे लिखते हैं, 6 कैसे लिखते हैं, 7 कैसे लिखते हैं, 9 कैसे लिखते हैं. इसी तरीके के टर्न के हिसाब से हमें लिखने की प्रैक्टिस करनी है. सो यहाँ पे गिनती कंप्लीट होती है 51 से लेके 100 तक. आपको बहुत ही समझ के पढ़ के लर्न कर लेनी है. उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. सो इन्हीं
एक्सरसाइज में क्या है? आपकी वर्कबुक में पेज नंबर 25 पे जो चैप्टर 4 की एक्सरसाइज दी गई है, वह निकाल के उसके आंसर को जो आप यह टेक्स्ट बुक का पेज ओपन रखोगे, आपको आसानी से पूरे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, क्योंकि गिनती उसके हिसाब से हाउ टू राइट इन वर्ड और हाउ टू राइट इन नंबर। सो इन दोनों में क्या करना है, गिनती के हिसाब से हमको आंसर लिखने हैं। मैं समझा रही हूँ? सो हियर द वर्कबुक एक्सरसाइज में फर्स्ट उदाहरण के अनुसार जोड़े मिलाइए। जो कोष्टक दिया गया है, वर्कबुक ओपन रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या समझा रही हूँ। अंक और वर्ड, नंबर और वर्ड जो दोनों में लिखे गए हैं उसके हिसाब से हमको मैच करना है। सो फर्स्ट नंबर क्या है, 85, यहाँ पे आंसर आएगा 76। उसके बाद जो है 73 को हाउ टू राइट इन वर्ड्स, 73 यानी कि 73। उसके बाद आएगा 73 यानी कि ऑप्शन आएगा क, उसको वहाँ पे लिखना है ऑप्शन क। उसके बाद है 69 यानी कि 56, ऑप्शन आएगा 56। उसे उसके हिसाब से हमें पूरे अंक में दिए गए नंबर को हाउ टू राइट इन वर्ड, सो वो ढूंढ के बॉक्स में सिर्फ नंबर लिखने हैं। उसके बाद की एक्सरसाइज क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को शब्द में लिखना है, राइटिंग वर्ड में जो नंबर है वो उसी गिनती को हमें वर्ड में लिखना है। तो फर्स्ट आएगा 74 को वर्ड में क्या बोलते हैं, 74, तो वहाँ पे आपको लिखना है 74। देन द नेक्स्ट है 90, उसको बोलते हैं 90, उसके हिसाब से 84, 89, 67 और 93, उन सभी को इन गिनती में से ढूंढ के लिखना है हाउ टू राइट इन वर्ड्स। उसके बाद क्या है, थ्री में, क्वेश्चन 3, निम्नलिखित संख्याओं को अंक में लिखिए यानी कि नंबर में लिखना है। फर्स्ट है 57 यानी कि 70, क्या आएगा 57 यानी कि 57, उसके बाद है 63, 63 को कैसे लिखेंगे वो सब इस गिनती में से ढूंढ के आपको लिखना है। फिर उसके बाद अंकों और शब्द की जोड़े मिलाइए, अंक और शब्द की जोड़े मिलानी है। यहाँ पे क्या करना है कि जो अ और ब उसके बीच में दी गई उत्तर आंसर की लाइन में फर्स्ट है 49 यानी कि 59, तो वहाँ पे आपको लिखना है 59। फिर है 70 यानी कि लिखना है आपको सेकंड लाइन में उत्तर में 70। इसी तरीके से सभी अंक को वर्ड में से ढूंढ के लिखना है। उसके बाद की एक्सरसाइज है, नीचे दिए हुए हिंदी शब्दों के लिए गुजराती शब्द लिखिए। जो हमें हिंदी शब्द दिया गया है उसका हमें गुजराती शब्द लिखना है, वो आपको मैं बताती जाती हूँ। फर्स्ट है तकिया, तकिया यानी कि ओशीकू, जिस पे हम सोते हैं। सेकंड है कंधा, कंधा यानी कि कांस को, कॉम हम जो बोलते हैं कांस को गुजराती वर्ड आएगा। उसके बाद थर्ड है खरल, खरल यानी कि खल। देन द फोर्थ चारपाई यानी कि खाटलो, बेड हम जो बोलते हैं। उसके बाद फिफ्थ वन उपला, उपला यानी कि छाणु जो हम पूजा में यूज़ करते हैं। उसके बाद सिक्स क्वेश्चन है, नीचे दिए गए गुजराती शब्दों को लिख के हिंदी शब्द लिखिए। गुजराती शब्द दिए गए हैं उसका हमें हिंदी वर्ड लिखना है। फर्स्ट वर्ड है वरंडो, वरंडो यानी कि बरामदा जो बोलते हैं हम। देन द सेकंड है कबाट, कबाट यानी कि अलमारी जहाँ पे हम पुस्तकें, हमारे क्लॉथ्स, हमारी वस्तुएं सब रखते हैं। देन द थर्ड है जाजरू,
जाजरू यानी कि पाखाना। देन द फोर्थ नड़ियू, नड़ियू यानी कि खपरेल, खपरेल नड़ियू। देन द घड़ियाल, घड़ियाल यानी कि घड़ी जो हम वॉच हैंड में पहनते हैं। देन द सेकंड क्वेश्चन में सेवंथ में क्या है, कोष्टक में दिए गए शब्द को शब्द में से सर्वनाम चुन के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो ब्लैंक्स दिए गई है फिर से आगे के ऑप्शन में ऊपर के ऑप्शन में से चूज करके हमें सर्वनाम लिखने हैं। सर्वनाम हम सब जानते हैं, कौन, कैसा, उसे, वह, हम, मैं, तुम, ये सब जो है वो सर्वनाम है। फर्स्ट ब्लैंक्स है, ब्लैंक्स 30 वर्ष का था, तो आंसर आएगा वह 30 वर्ष का था, यानी कि वह जो है वो आंसर में लिखना है। देन द सेकंड है पता नहीं, ब्लैंक्स दरवाज़ा खटखटा रहा है, पता नहीं कौन दरवाज़ा खटखटा रहा है, यानी कि आंसर आएगा कौन। फिर थर्ड है पुस्तक रुचिकर है, ब्लैंक्स मैं भी पढ़ूंगी पुस्तक को, यानी कि उसे, उसे मैं भी पढ़ूंगी। देन द फोर्थ ब्लैंक्स सब मिलकर क्रिकेट खेलेंगे, हम सब मिलकर क्रिकेट खेलेंगे, आंसर आएगा हम। उसके बाद फिफ्थ, रविवार को ब्लैंक्स बाजार जाऊंगा, रविवार को मैं जाऊंगा यानी कि मैं बाजार जाऊंगा। इसी तरीके से ब्लैंक्स में आंसर सर्वनाम के हिसाब से लिखने हैं। देन द एथ क्वेश्चन है उचित जोड़े मिलाइए, अ और ब ऑप्शन में से जो आंसर की लाइन में जो सिंबल दिया गया है उसके हिसाब से हमें सजेस्ट करना है कि क्या आएगा। पिक्चर पहला जो है वो ग, फर्स्ट है पिक्चर, उसमें क्या आएगा, बम्प की निशानी है वो हम जंप जो बोलते हैं जो रोड पे होते हैं, तो क्या आएगा उसमें आंसर ग, आगे जंप है यानी कि आगे हमें जो हमारी व्हीकल है वो स्टॉप करनी है या तो उसकी स्पीड जो है वो कम करनी है, यह सजेस्ट करता है। उसके बाद सेकंड है अमरेली लिखा हुआ और बॉक्स के जैसा, वह है माइलस्टोन, अंतरदर्शक। जब हम रोड पे जाते हैं तब हम सब नोट करते हैं कि जब जहाँ पे हमें पहुँचना होता है वो कितने अंतर में है, यानी कि किलोमीटर लिखे हुए पत्थर जैसा हमें रास्ते में दिखाई देता है, उसको बोलते हैं माइलस्टोन, अंतरदर्शक। देन द थर्ड सीढ़ी जैसा है पिक्चर, उसमें क्या आएगा, रेलवे फाटक। जब अब रेलवे स्टेशन से नज़दीक नज़दीक पहुँचते हैं तब यह वहाँ पे किलोमीटर की दूरी पे अब ऐसे रास्ते में मिलते हैं यह सब सिंबल, तो उसका मतलब है रेलवे फाटक, यानी कि आगे जाके रेलवे फाटक आएगा, आपको जो हमारी गाड़ी है वो व्हीकल है वो स्लो करना है, आगे रेलवे का फाटक है यानी कि ट्रेन के पट्टे हैं। एंड लास्ट फोर्थ डेंजरस पिक्चर, उसमें क्या आएगा, खतरा, भूत की जैसी निशानी दिखाई देती है, वहाँ पे दिखा होता है कई सारे जगह पे हम नोट करते हैं कि आगे खतरा है, तो खतरा की निशानी यह है। उसे हिसाब से सिंबल्स के देखकर ब ऑप्शन में से चूज करके करेक्ट आंसर को लिखना है। सो ऑल द स्टूडेंट्स, ये हमारी गिनती 51 से 100 तक की यहाँ पे कंप्लीट होती है और एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। इसी तरीके से हमें और भी कई सारे शब्द हैं हिंदी और गुजराती में, वो हमको पहचानना सीखना है। सो हियर आवर चैप्टर 4 गिनती कंप्लीट होता है। थैंक यू।